हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके साथ साड़ी का रियूज़ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कॉटन की साड़ी ली हुई है। ये साड़ी देखिए, पैटर्न बहुत अच्छा हुआ है इसमें, और डबल बॉर्डर है, ऊपर नीचे है, बीच में भी बॉर्डर जैसा दिया है। तो और इसका जो आँचल है, पल्ला है, वो बहुत सुंदर है। तो सबसे पहले तो मैं उसे आँचल को अलग कर लूँगी, पल्ले को। ये देखिए बहुत सुंदर है, इसका मैं बाद में कुछ और बनाऊँगी। और बाकी पैटर्न इस तरह का है साड़ी में। तो सबसे पहले मैं ये जो पीला बॉर्डर बीच में है, इसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। इसके लिए मैंने साड़ी को फैला दिया है। और पूरी साड़ी फैलाने के बाद मैंने एक दुपट्टे से नाप ले ली है इसकी। और मुझे जो साइड साइड के बॉर्डर है, मतलब येलो वाला नहीं लेना है, बाकी मुझे ऊपर और नीचे वाले दोनों पार्ट चाहिए। तो मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी। और इसे हमें कितना अलग करना है, ये आप एक जो आपकी चुन्नी हो, दुपट्टा हो, उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। आपको कितनी चौड़ाई तो कम ज़्यादा उसमें चल जाती है, पर लंबाई कुछ लोग 2 मीटर बनाते हैं, कुछ 2.5 मीटर का लेते हैं। तो अपनी लंबाई के हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इससे कॉटन की साड़ी से मैं कॉटन का दुपट्टा बनाने जा रही हूँ एक अच्छे से। जो कि आप मार्केट में जाएंगे तो 150 या 200 से कम नहीं मिलता है, तो उससे अच्छा है कि इस तरह की अगर अनयूज्ड साड़ी रखी हो आपके पास, या फिर जो हम मतलब रिटायर कर देते साड़ी, आजकल साड़ियां वैसे भी बहुत कम लोग पहनते हैं, तो अगर अच्छा सा पैटर्न है तो आप उस हिसाब से दुपट्टा निकाल सकते हैं। वैसे तो लेगी कुर्ती और पैंट और कुर्ती में तो दुपट्टा बहुत कम ही लोग ही लेते हैं, पर कॉटन के दुपट्टे तो गर्मियों में खास कर लिए जाते हैं, और कुछ नहीं तो उन्हें फेस पे बांधने के काम ही आ जाता है। या हम जैसे लोग जब किचन में काम करते हैं, तो मुझे तो बहुत ज़रूरी होता है किचन में दुपट्टा लेना, ताकि पसीना वगैरह आए तो हम उसी से पोंछ सकें। तो इसके लिए मैंने देखिए दुपट्टे की नाप से बीच वाला पार्ट हटा दिया है, और दोनों ऊपर नीचे के पार्ट को अलग कर लूँगी मैं। तो हमें जितनी ज़रूरत थी उतना हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं अपने दुपट्टे की लंबाई नाप रही हूँ, जितना ये दुपट्टा है उसी के बराबर मैं कट करूँगी। तो यहाँ एक दुपट्टा मेरा इस तरह निकल आएगा। अब इसे सिलने के लिए हम जो बीच का जो पार्ट है, जो वाइट वाला हिस्सा है, जहाँ से हमने येलो पार्ट हटाया है, इन दोनों को पहले हम थोड़ी सी सिलन लगाएंगे, और फिर उसे अंदर करके पूरी डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, पहले हम ऐसे लगाएंगे, फिर ऊपर से इसके जो प्रेस स्टिच की जाती है उसको लगा देंगे, तो ये धागा नहीं निकलेगा। जिस तरह आपने जो सूट के साथ दुपट्टे आते हैं उसको देखा होगा। ये देखिए, कहीं से जोड़ समझ में नहीं आ रहा है, और कितना सुंदर दुपट्टा हमारा बनकर तैयार हुआ है। जो हमारे सूट के साथ कॉटन के दुपट्टे आते हैं, उसमें पैच वर्क होता है, तो उनमें भी आपने देखा होगा किनारे पर बॉर्डर अलग से अटैच किया जाता है। तो ये देखिए, हमें अगर सर पर रखना है तो उसके लिए भी आरामदायक होते हैं। और इसे देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि ये एक साड़ी से बनाया हुआ है। और इसका फुल डिज़ाइन देखिए इस तरह आया हुआ है। और अगर आप गर्मियों में बाहर जा रहे हैं, तो ये 100% कॉटन वाला दुपट्टा है, इसे आप फेस पे भी बांध सकते हैं। और घर में अगर आप डालना चाहें, जैसे बहुत से लोग नाइटी वगैरह पहनते हैं तो उसमें डालते हैं, या जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं वो दुपट्टा यूज़ करते हैं, तो इस तरह हम रखी हुई साड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। और इसका दूसरा पैटर्न मैंने निकाला है, जो जिसमें बीच वाला येलो वाला पार्ट था, तो उससे निकाला है, उसको भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला कितना सुंदर लग रहा है, और दोनों साइड में बॉर्डर आ गए हैं। बस इसे पीको करना है। आप चाहे तो टेसल्स भी लगा सकते हैं, पम पम लैस लगा सकते हैं। और दूसरा दुपट्टा मैंने इस तरह निकाला है। ये देखिए, बीच में येलो पार्ट आया है, और किनारे किनारे पीको कर दूंगी।
तो ये भी दुपट्टा बहुत अच्छा बन गया है। या इसके किनारे पर पॉम पॉम वाली लेस लगा दीजिए तो ये कितना सुंदर लगेगा। किसी भी सूट पे आप डाल सकते हैं, चेहरा बांध सकते हैं इससे, फेस पे लगा सकते हैं इसे, और फुल यूज्ड का है। तो इस तरह आप भी अपने घर पर अनयूज्ड साड़ी से दुपट्टा क्रिएट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।